शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बचपन में तो हम बहुत ही बदमाश थे, है ना? तो आपकी इस दाढ़ी के साथ तो हम बहुत ही खेलते होंगे, तो हम चीज मतलब छूकर देखें। श्रद्धा, तुम क्या कह रही हो? किस मौसा जी की बात कर रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये कौन है? हम इन्हें नहीं जानते। ये मम्मी, ये अभय है। अभय? अभय, ये सब क्या हो रहा है श्रद्धा? अभय, इस भेस में ये क्या है? नहीं, मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है मम्मी। आपको मुझ पे भरोसा है ना? मम्मी, बस मैं आपसे जैसा कहती जाऊं आप वही कर दूं। ये क्या बदतमीजी है? अपने से बड़ों के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? हमें माफ कीजिएगा आप सब, हम अचानक से इस तरह इन्हें आप सबके सामने ले आए। अरे नहीं नहीं अश्वि जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? कीर्ति, मिर्जापुर तहसील के गांव से हैं अशोक जीजा जी, हमारी दूर की मौसी के दामाद हैं। इनकी पत्नी, हमारी बहन, कुछ महीने पहले इस दुनिया से चली गई। बस तब से ये पुराने रिश्ते निभाने आए हैं। वो सक्षम जी की तबीयत बहुत खराब है ना हमारे घर पे, इसलिए श्रद्धा इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आई है। अब वो वरुण और कीर्ति की शादी में आ नहीं पाए थे ना, इसलिए हम आप सबसे इन्हें मिला नहीं पाए। भाई साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो हम इन्हें। कैसी बातें कर रही हैं ऐश्वर्य जी? आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, हमारा भी तो परिवार हुआ। बस अभय को लेकर बहुत परेशान, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। भैया, पता चल जाएगा। मेरा घर का बेटा घर छोड़कर कहाँ जाएगा? उसे कुछ नहीं होगा। यशु जी, अभय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए शायद इनकी ज्यादा खातिर ना कर पाए। भैया जी, ये बोलकर हमें शर्मिंदा करत। पहले परिवार बोलत हो, फिर तुरंत पराया कर दूं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। अब मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ श्रद्धा बेटा, तुम इनका अच्छे से ध्यान रख लेना। अब हमें ना अब चलना चाहिए, वो सक्षम जी घर पर अकेले है ना, तो हम चलते हैं। अब चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए। आइए। मुझे 7 दिन के अंदर श्रद्धा को घर से निकालना था और ये अपने बुढ़े रिश्तेदारों को घर में लाके लंबा रहना चाहती है। ना चाहते हुए भी आज पापा मेरी वजह से कितने दुखी हैं, और मम्मी को तो देख के ही पता चल रहा है, उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। मैं बता दूंगा उन्हें,
कि कोई मौसा जी नहीं, ये मैं ही हूँ। मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ उन्हें बताने। नहीं, संभालिए खुद को, क्या कर रहे हैं आप? कैसे संभालूं श्रद्धा, जब मुझे अपने घर वालों को संभालना चाहिए, मैं यहाँ पेस बदल के छुपा फिर रहा हूँ। नहीं अभय, आप इधर आइए, आइए। अभय थोड़ी देर शांति से सोचिए। देखिए अभय, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, और घर वालों के लिए भी यही सही है। अभय, अगर कीर्ति को जरा सी भी सच्चाई की भनक लग गई ना, वो सीधा आपको जेल में डाल देगी, फिर आपके मम्मी पापा का क्या होगा? देखिए अभय, जब तक हम आपके लिए सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते, हमें इस नाटक को जारी रखना होगा। श्रद्धा, तुमने उनकी हालत देखी ना? अभय, अभी हम घर आ गए हैं ना, धीरे धीरे उन्हें भी सब समझा देंगे, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। अभय, आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे तुमसे झूठ बोल के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा रोशनी, पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें इन सब से दूर रखना होगा। एक बार उस बॉस का असली चेहरा सबके सामने ला दो, उसे जेल तक पहुंचा दो बस। सजा मिलने के बाद भी तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई ना कुणाल? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे फोन करने की? कुणाल, आपके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है भाभी जी। वैसे शांत हो जाइए, आपको ना एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। मैं आजाद हूं। आजाद? कैसे? तुम्हें बेल कैसे मिल सकती है? अरे हैं हमारे भी कुछ शुभचिंतक जो मेरी मदद कर रहे थे। कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। अरे भाई, जिसको बुलाया तो था आपने अपने पति का इलाज करने के लिए, लेकिन बन गई आपकी होने वाली सौतन, डॉक्टर रोशनी। अरे आप इतनी जल्दी मेरा फोन मत काटिए, मेरी बात तो सुनिए। जो मेरा है वो तो मुझे दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम कुणाल? मेरी धर्म पत्नी आरती। अपनी गंदी जबान से आरती का नाम भी मत लेना तो। अब है वो मेरी पत्नी तो है, सच्चाई तो नहीं बदल सकती। चलिए अब जल्दी मुलाकात होती है आपसे। रोशनी, ये तुमने ठीक नहीं किया, और तुमने जो किया उसका क्या श्रद्धा? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे मंगेतर और इस घर के बेटे का कमरा है, जाइए यहाँ से, जाइए। अरे बिटुआ, काहे इतना गुस्सा आ रही? यहाँ नहीं तो क्या, तो हर कमरे में रहो। क्या हमार मतलब है तो हर अतिथि वाले कमरे में रहो? तमीज कहीं के कमारों के साथ ना मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं गेस्ट रूम में रहती हूं? क्यों श्रद्धा के मौसा जी, बताओ आपको कैसे पता? इतनी सुंदर कन्या इस घर की तो ना हो सके। मोगरे से भी सुंदर, अटखटी नजरिया,
कोयल से मधुर आवाज और इस घर के सब तत्, तो हर चेहरा देख के ऐसा लगे या तो हो अतिथि या तो किसी की दुल्हन। शर्म आदमी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आती है? आइंदा ना दोबारा मुझसे दूर रहना, छूने की कोशिश भी मत करना, समझे? इतनी बड़ी बात हमें बताना तुमने जरूरी नहीं समझा श्रद्धा? अरे हमारा बेटा चोर बन गया है, हमारा बेटा। अरे अपनी माँ की बात वो सुनता समझता और चोरी छोड़ देता, लेकिन नहीं, हर चीज तुम्हें खुद ठीक करनी होती है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम भी क्या गुजरेगा। हमारा बेटा भटक गया, पता नहीं वो किस हाल में होगा। भगवान, मम्मी जी, पानी पीछे, शांत हो जाइए, पानी पीछे। इससे अच्छा तुम हमें जहर दे दो। एक लौते बेटे से दूर रहने से अच्छा कि आप मर जाएं। भाभी, शांति से बात को समझिए। डॉक्टर ने कहा है ना आपका बीपी बढ़ गया, और आप एक तरह तो आप तो चुप ही रहिए। अरे आपकी वजह से इस लड़की को शह मिली है कि हर फैसला ये खुद ही लेती है। अरे आप दोनों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज, अभय को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया है। हे भगवान, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मम्मी जी, मेरे रहते अभय पर एक आंच भी नहीं आएगी। श्रद्धा, तुम्हारी अभय से बात हुई क्या? हाँ, उसने तुम्हें कुछ कहा? श्रद्धा बोलो, श्रद्धा, ये सब कुछ हमसे नहीं संभाला जा रहा। भैया, भाभी की ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही। अगर तुम्हें पता है कि अभय कहाँ है तो बता दो कि अभय कहाँ है और कैसा है। बोलो श्रद्धा, बोलो कुछ तो। बिल्कुल, हमें भी बताइए अभय को कहाँ छिपा रखा है आपने। मैं नहीं जानती हूँ अभय कहाँ है, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो ठीक है और उन पर लगाए सारे इल्जाम गलत हैं। ये फैसला ना आप लेंगी ना अभय, ये फैसला अदालत लेगी। अगर पुलिस को पता चला ना कि इसमें आपका भी हाथ है तो आपको भी अदालत में जवाब देना पड़ेगा, और आपकी वजह से ना अभय का केस कमजोर होगा। तुम दोनों बहनें बंद करो अपना नाटक। तुम दोनों बहनों को क्या लगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम दोनों बहनों ने मिलके अभय को फंसाया है, इसीलिए मैं अभय को इस घर से दूर लेकर जाना चाहती हूँ। इस घर में ना अभय के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हुआ है। आज तक जो भी कुछ हो रहा है ना, बुरा ही हुआ है। क्या कहा तुमने? अभय का अपने ही घर में सिर्फ बुरा होता है। एक मिनट, कितने दिनों से तुम उसकी जिंदगी में आई हो जो इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने कि घर को तोड़ना ही बेहतर होगा? अरे आंटी जी, आप मुझसे क्या सवाल कर रही हैं? खुद का घर तो संभाल नहीं सकी है, एक ही छत के नीचे रह के दोनों परिवार रोज चमके एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और ये कीर्ति अफसर रानी, इसने तो अभय को पुलिस केस में ही घसीट लिया। ये परिवार का प्यार? ये रोशनी मम्मी से कैसे बात कर रही है? शायद मेरी वजह से परेशान हो गई होगी और गुस्सा मम्मी पे निकल गया। बाद में मिलके अच्छे से समझा दूंगा। ये परिवार का प्यार? तुम तो आप इसके मुंह मत लगी, आप हमारे साथ चलिए। आइए,
ये तो बाहर वाली है, पर आप तो घर वाली हैं। फिर क्यों घर तोड़ने पे लगी हैं? अभय को कहिए कि खुद को पुलिस के हवाले करें, इससे हम सब ठीक कर पाएंगे, घर की शांति भी और उसकी जिंदगी भी। रुको रोशनी, सच सच बताओ मुझे, आखिर चाहती क्या हो तुम? मतलब अभय से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, तो उन्हीं के हमलावर को तुमने जेल से क्यों रिहा कराया? कुणाल की बेल तुमने ही कराई ना, क्यों रोशनी बोलो? मैंने जो कुछ भी किया ना अभय के लिए किया, और उसी के प्यार में बेवकूफ भी बन गई। वो कुणाल पब्बर शेख गैंग के असली बॉस की खबर देने की कीमत मांगी थी उसने अपनी आजादी। उस धोखेबाज ने मुझसे झूठ कहा, उसे कुछ पता ही नहीं है। उस पब्बर शेख गैंग का बॉस, उसके सामने करने के लिए मैं तैयार हूँ सर। उसे कल सुबह होने से पहले तक मैं जेल पहुंचा दूंगा सर। कौन है वो? वो जो कोई भी है ना, अभय को बचाने का आखिरी जरिया है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उसने किया है। श्रद्धा, वहां कोई तो था जो हमारी बातें सुन रहा था। ये जो कोई भी है ना, अपर शेर गैंग का बॉस, उसका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है, और मैं उसका पता लगा के रहूंगी। अभय को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। अभय को इन मुसीबतों से बचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, अपर शेर गैंग के असली बॉस का चेहरा। बात करनी होगी रोशनी से, बेचारी कितनी परेशान हो रही मेरे लिए। हाँ हाँ, यही तो कीजिए आप, सारी चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ रोशनी के ही बारे में सोचिए कि वो कितना परेशान हो रही होगी। अरे अभी आपको पता भी है कितनी बड़ी मुसीबत में आप। अभय को अभी कुणाल के बेल के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, वो पहले से ही बहुत परेशान है। ओ हेलो, कितना बड़ा ताना मारना ये सोच रही हो? कैसे हैं आप अभय? पुलिस आपके जान के पीछे पड़ी है, आपको बचाने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, पब्बर शेर गैंग का बॉस जिसका कोई अता पता ही नहीं है, और आप रोशनी की चिंता में आधे हुए पड़े हैं। अरे क्यों ना करूं उसकी चिंता में, वो रो रही थी मेरे लिए, बेचारी चिंता में है। उसकी चिंता दूर करने के लिए एक बार से बात कर लेता हूँ। नहीं अभय, आपको कोई फोन नहीं करना चाहिए, पुलिस आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। मैं पुलिस के साथ ही काम कर रहा था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। एक तो ये बैंक वाले, अरे नहीं करनी मुझे किसी से बात। रोशनी मेरा फोन उठाओ, रोशनी से बात करूंगा भी कैसे, फोन तो उठाए वो पहले। सिर्फ चाय करता हूँ। रोशनी, मैं अभय बोल रहा हूँ। अभय, अभय कहाँ हो तुम? पता तुम्हें मेरी क्या हालत हो गई है? ये पुलिस तुम्हारे क्यों पीछे पड़ी है? सब हो क्या रहा है? अरे रोशनी, सांस ले लो पहले, एक ही सांस में 3-4 सवाल कर लिए मुझसे तुमने। और जब तुमने मुझे इतना डरा दिया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ। हाँ रोशनी, मैं भी तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, हम कल मिलते हैं ना, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, परेशान मत होना प्लीज। मैं कैसे परेशान ना हूँ तुम्हारे लिए अभय, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। रोशनी, मैं ना
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। I love you. Bye. ऐसे क्या देख रही हो? मैं सिर्फ और सिर्फ रोशनी से प्यार करता हूँ। तो मैंने अपनी बाल्टी बीच में खिसकाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ बोला आपको? नहीं ना। और आप जो मुझे ऐसे सफाई दे रहे हैं, उससे तो मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके मन में कोई चोर जरूर है। वो हेलो, मेरा मन ना एकदम साफ है। हाँ, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे इरादे साफ साफ दिखते हैं, चाहे तुम मानो या ना मानो। आपको बड़ा पता है मेरे मन का। वैसे तुम तो ऐसे जल रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्यार की कसमें खाई हैं। हमारे बीच किरायेदार और मकान मालिक के अलावा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता तो है अभय, आप माने या ना माने। वो हाँ, तुम तो मेरी भाभी की बहन हो। वैसे भाभी तो याद आया, उन्होंने तो मुझे जेल पहुंचाने के लिए जैसे माँ भवानी की कसम खा रखी है। वैसे बुरा मत मानना, ये तुम दोनों बहनों की मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है कि एक बहन मुझे भगाएगी और दूसरी बचाएगी और रिझाएगी। ओ यार क्या हो तुम, मजाक भी नहीं समझती हो। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे हाथ तो हटाइए ना, एक बार दिखाइए इधर। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। कब तक चलेगा तुम्हारा ये नाटक? तुम्हें शर्म नहीं आती है ना इतना घटिया खेल खेलते हुए? तुम्हें मुझे ये बार बार क्यों याद दिलानी पड़ती है रोशनी कि अभय मेरे पति है और उनको पाने के लिए मुझे कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं। वो कल भी मेरे पति थे और हमेशा रहेंगे। तुम्हारा था, अब अभय सिर्फ मेरा है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।